नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है और इन सबके बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि शिवसेना एक तरीके से टूट चुकी है, पूरी तरह से बिखर चुकी है और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि यह खबर आ जाए कि उद्धव सरकार गिर गई है। जी हाँ, ये खबर इसलिए आ रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं एनसीपी से, और हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि 55 में से 40 विधायकों का उनको समर्थन है, जबकि 7 निर्दलीय विधायकों ने भी उनका समर्थन करने का फैसला लिया है। इस तरह से देखा जाए तो इस वक्त सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर महाराष्ट्र से कोई उभर कर सामने आ रहा है तो वो एकनाथ शिंदे ही है। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी पहुंच गए हैं तमाम विधायकों को लेकर, और वही ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 40 विधायक हैं जबकि 7 निर्दलीय भी उनके साथ हैं। एनसीपी से एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। आपको पता ही होगा महाआघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में, और ऐसे में क्या उद्धव सरकार के लिए एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इन सबके बीच बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचे विधायकों को लेकर, तो दूसरी तरफ पीछे पीछे बीजेपी विधायक सुशांत बरगोहन भी पहुंच गए। अब सुशांत क्यों पहुंचे हैं इसका सियासी अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। हालांकि सुशांत का कहना है कि वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वहां पहुंचे हैं, यहां पर कोई तालमेल बिठाने नहीं आए हैं। अच्छा, यहां पर आपको एक और बात बताते चलें कि ये जो उठापटक चल रही है महाराष्ट्र में, इसको लेकर उद्धव सरकार ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सिर्फ 22 विधायक पहुंचे, जो वाकई में चिंता का विषय है उद्धव सरकार के लिए। एकनाथ शिंदे की कुछ शर्तें हैं जिनको उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं हो रही हैं। एनसीपी से वो नाराज बताए जा रही हैं। एनसीपी के साथ शिवसेना का गठबंधन है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कैसे निकलेंगे इस सियासी भूचाल से, कैसे अपनी सरकार को बचा पाएंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए यही कहना होगा कि बहुत जल्द शिवसेना टूटती हुई नजर आ सकती है। इस पूरे मामले पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा था, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के, जो गुजर जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है, सूरत में है मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावंत निष्ठावान शिवसैनिक। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से, शरद पवार जी से सबसे चर्चा चल रही है, माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है शुरू है, उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है, मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा।